जिस तरह से अयोध्या यहाँ पर सज धज के तैयार है मनोज जी, वाकई मतलब ये तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, लोग ऐसे उत्सव मना रहे हैं जैसे उनके अपने घर में कोई समारोह होगा। हर जगह लग रहा है कि सबके घर में कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई उत्सव। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या तड़प उठी कि 14 साल का वनवास नहीं, यहाँ पर तो सदियों सदियों के वनवास के बाद श्री राम लौट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार राम के जन्म के समय का माहौल था, जो सकारात्मकता थी, वही फिर से सकारात्मकता दिख रही है। और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि इतिहास अपने को दोहराता है, और जो कल होने वाला है उसका तो वर्णन हम तो इतना ही कहेंगे। एक गीत गुनगुनाना चाहूँगा, राम का गुणगान करिए, राम का, राम प्रभु की भव्यता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। हो रहा शिलान्यास अवधि में हृदय से प्रस्थान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। है अयोध्या में जगत यह, है अयोध्या में जगत यह, राम रस का पान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। जो जहां है वही अयोध्या मान ले, ये इस समय राम की संस्कृति, भारत की संस्कृति के उत्कर्ष का समय है। जो जहां है वहीं से इसका आनंद ले। और घर में दीपों को भी प्रज्वलित करना है। दीपावली का पर्व भले ही सरयू के घाटों पर हम देखते थे कि हर बार दीपावली पर एक नई परंपरा यहाँ पर शुरू हुई थी कि लाखों दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएं, अब सबको अपने घरों में ही दिए जलाने हैं। और अयोध्या ही क्यों मनोज जी, मुझे तो लगता है कि देश भर में लोग ये प्रज्वलित करना चाहेंगे दीपों को अपने अपने घरों में। मैं अभी अभी श्वेता जी जब आपके इस डिबेट आपके मिलने के लिए आया, तो इसके पहले मैं दिया ही बांट के आ रहा हूँ। लोग लाइन में खड़े होके दिया ले रहे हैं, वो कल दिया जलेंगे। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही, कल भी आपको हमने देखा था अयोध्या से रिपोर्टिंग करते हुए शाम को, तो जो आपके पीछे अयोध्या का दृश्य दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ ज़्यादा हरे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि सरजू मैया कुछ ज़्यादा ही तैयारी से सज के चमक रही हैं, उनका जल कुछ और ही स्वच्छ हो गया है। तो हम तो इस बात को विश्वास करते हैं कि जो खुशी राम के जन्म की थी, जो खुशी राम के वन से आने की थी, वही खुशी आज मोदी जी के कल पहुंचने और शिलान्यास की तैयारी में है। और वो कहते हैं ना, तुलसी बाबा ने लिखा है, अवधपुरी सोहाई यही भांति, प्रभु ही मिलन चाह से जनुराती, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और याद रखिएगा, होई ही वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा, राम सिया राम। तुलसी बाबा ने लिखा था श्वेता जी कि होई है वही जो राम रचि राखा। 500 वर्षों में भी हमारे देश का व्यक्ति राम के मंदिर पे जो आघात हुआ उसको भूला नहीं, और तब जाके न्यायोचित ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये मात्र राम मंदिर बनने की जीत नहीं है, भारत के संस्कृति सभ्यता की जीत है। इसलिए मैं, वो अयोध्या के लिए ही कहा गया है
कि मंगल भवन अमंगलहारी। ये अयोध्या ही ये मंगल का भवन है, अमंगल को नष्ट करने वाला है।